ओके, तो चंदन जी, निकिता जी, सुखदीप जी आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इसमें जैसे कि हमने आपको बताया कि हम लास्ट क्लासेस में आई थिंक क्या कवर कर चुके थे। सॉर्टिंग डेटा, डेटा सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और हमने आपको और पिवट पिवट टेबल से टेबल। रिलेटेड वीडियोज भेजी थी, तो देखा आपने उसको? हाँ जी सर। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि होम मेनू बार में कोई डाउट्स है तो पूछने के लिए, तो है एनी डाउट्स? क्वेरी है पूछिए। पेज स्पेशल में एक है लिंक गेट वैलिडेशन, उसमें उसका क्या यूज वो है? बताएंगे आपको, वैलिडेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और सर पीवट टेबल में भी है एक, अगर हम पीवट टेबल में मंथ का कॉलम लेते हैं और मंथ को कॉलम के साइड में रखते हैं, तो उसमें जैन फेब कभी 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 सीक्वेंस में नहीं आता, कभी जैन आता फिर दिसंबर आता है, तो कोई है कि सीक्वेंस में आने वाला? शॉर्टिंग करनी पड़ेगी, हो जाएगा उसको। शॉर्टिंग है, मूविंग है, बताएंगे आपको ये चीज भी। तो स्टार्ट करें सर आगे की क्लासेस, और कुछ पूछना है? सर शॉर्टिंग में एक क्वेरी थी कि, हाँ जी सर, पूछिए। शॉर्टिंग में एक क्वेरी थी कि जैसे आपने बताया ना एक सेल के बाद एक स्पेस देना है, ठीक है, रो क्रिएट करना है, मैं चाहता हूँ तीसरे हर तीसरे सेल पे एक रो ये तो मैंने क्रिएट करूँ, क्वेश्चन कैसे पूछा होगा? था आपसे, आपने मेरा ही क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हो। सर वो नहीं हुआ ना, तो ही पूछ हाँ, रहा तो हूँ, ये बताइए ना सर, आपको एक स्पेस तो होमवर्क हो नहीं जाता है, दो हुआ? स्पेस आप मेरे ऐड हो सवा जाते हैं। कितनी चालाकी कर रहे हैं, मैं वो बता रहा हूँ, बाकी चीज़ भूल जाता हूँ, एक्सेल की चीज़ें नहीं भूलता मैं, याद रखना। एक्सेल की चीज़ें हम नहीं भूलते। हम लोग करते थे ना, जैसे कि हमारे मैथ के टीचर हमसे कोई सवाल पूछते थे, तो हम क्या करते थे, उसी सवाल को इनके छुट्टी के पीरियड में जाके उनके इनसे क्या बोलते हैं स्टाफ रूम में उन्हीं से पूछ लेता था, उनको पता नहीं चलता था। तो वो एक काम मुझे से कर रहे हो कि मेरा सवाल मुझे ही पूछ रहे हो आप। ये मेरा सवाल था, इस पे आपको रिसर्च करना था, ठीक है? तो रिसर्च कीजिए। अब जो हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है कि आज ही करना है, आप टाइम लीजिए, उसके बाद जब नहीं होगा तो लास्ट में बताएंगे, आप बोलिए तो बता देते हैं अगर रिसर्च नहीं करना है तो। ठीक है सर, मैं रिसर्च ही करूंगा फिर। ठीक है, रिसर्च कीजिए। रिसर्च करने से फायदा क्या होता है, उसके साथ और भी नई चीजें, कुछ और चीजें सीख जाते हैं आप। ओके, तो आगे बढ़े इसमें। ओके, तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ पिवट टेबल। पिवट टेबल की हम बात अगर करते हैं तो पिवट टेबल इंपोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि पिवट टेबल हमारे मोस्टली रिपोर्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, समझे? कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पिवट टेबल का इन्वॉल्वमेंस होता है। तो कैसे? तो चलिए कुछ कुछ फंडामेंटल चीजें हम डिस्कस करते हैं। आप ऑफिस में क्या करते हैं? रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट क्या होता है? एक पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चीजों पे एक इंफॉर्मेशन होता है, एक समरी होता है। जैसे आपको मैंने बोला कि मंथली सेल्स रिपोर्ट बनाओ, तो आपका प्राइमरी चीजें क्या होता है? आपकी प्राइमरी ये होती है कि आप मंथ वाइज सेल्स को समराइज करते हैं, उसके बाद बाकी चीज पे करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट मोस्टली समरी ऑफ द डेटा होता है, राइट? अब पिवट टेबल का जो यूज होता है वो होता है कि वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। जहां तक मेरी रिसर्च है कि हम ऑफिस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे 80% रिपोर्ट्स में पिवट का इस्तेमाल तो करते ही करते हैं। मैं 80% रिपोर्ट्स हम पिवट से बना सकते हैं, ठीक है? तो पिवट टेबल का इस्तेमाल इसलिए होता है। तो पिवट टेबल हम समरी निकालते हैं इंफॉर्मेशंस के लिए। अब क्या होती है इंफॉर्मेशन? जैसे कि मेरे सामने जो डेटा आप देख रहे हैं, एक सेल्स रिपोर्ट डेटा है,
ठीक है, यह एक सेल्स का डेटा है, सॉरी माफ कीजिएगा, सैलरी का डेटा है, मैं गलत बोल गया। तो पहले डेटा को समझना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हम डेटा की समरी निकाल रहे हैं, तो डेटा को समझना जरूरी होता है। तो ये आपके सामने जो डेटा है वो एक सेल्स का डेटा है, सॉरी सैलरी का डेटा है। अभी क्या हुआ कि आपके बॉस ने बोला, यार मुझे डिपार्टमेंट वाइज हेड काउंट दे दो। उन्होंने बोला मुझे डिपार्टमेंट वाइज हेड काउंट चाहिए। अब क्यों चाहिए उनको? हो सकता है किसी जरूरत हो, उनके ये चाहते हैं कि किस डिपार्टमेंट कितने बंदे का काम है, काम कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसके लिए डिपार्टमेंट वाइज एक एक काउंट करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। हम सिर्फ पिवट इस्तेमाल करेंगे। तो पिवट इस्तेमाल करने के लिए आप दो चीजों पे ध्यान रखिएगा। पहला कि आपका कोई हेडिंग ब्लैंक ना हो, कि अगर आपका कोई हेडिंग ब्लैंक हुआ तो पिवट लगेगा ही नहीं, क्योंकि पिवट हेडिंग से ही चलता है। दूसरा कि अगर आपके डेटा में कहीं ब्लैंक रो होता है, पूरी की पूरी रो ब्लैंक होती है, तो याद रखिएगा हमें पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। बिना सिलेक्शन किए पिवट लगाओगे तो सिर्फ उसी ब्लैंक से ऊपर का पिवट लग जाएगा, नीचे का पिवट नहीं लगेगा। तो हमने इसको सिलेक्ट किया पिवट टेबल, और उसके बाद हम ओके करते हैं, एक नई सीट पे जाके ये पिवट टेबल लग देता है। तो मैं आपको बोला था ना पिवट टेबल हेडिंग के अकॉर्डिंग चलता है, तो इस पे आप क्लिक करते हो, तो क्लिक करते यहाँ ही पे आप देखो ये सारे हेडिंग्स आते हैं, इसलिए हेडिंग्स होना जरूरी है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि अपना डिपार्टमेंट को उठा के रो में रखते हैं। डिपार्टमेंट उठा के या रो पार्ट में रखने का फायदा क्या हुआ कि ये यहाँ पे इस तरह से आ गया। फिर हम यहाँ पे नेम को उठा के कॉलर में रखते हैं, देख कॉलर बन जाएगा। और तो इससे क्या हुआ कि काउंट ऑफ नेम, अब इसको एक रिपोर्ट फॉर्मेट में बना के हम भेज सकते हैं। यहाँ पे इसको नेम रो लेवल है, इसको हम नेम कर देते हैं, और यहाँ पे काउंट ऑफ नेम है, इसके जगह पे हम हेड काउंट कर देते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके इसको शॉर्ट कर दीजिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इस तरह से अब इसमें मान लीजिए एक और, चलिए एक और निकालते, मुझे मंथ वाइज चाहिए हेड काउंट, किस महीने में कितने बंदे की ज्वाइनिंग हुई है। तो मैंने पिवट टेबल पे गया, ओके किया, एक नई शीट में मेरा पिवट आ गया। तो मैंने क्या किया कि मंथ वाले टाइप को उठा के यहां रखा, तो जैन 5 के अकॉर्डिंग देख रहा है शॉर्ट में हो क्या आ रहा है, आ रहा है। तो कभी जैसे कि निकिता जी आपने पूछा था सवाल ना, तो ये बाय डिफॉल्ट जैन 5 में ही आता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राइट क्लिक कीजिए, शॉर्ट अगर आप कर देते, जैसे ए टू जेड हमने कर दिया, तो शॉर्ट भी इस पे शॉर्ट अप्लीकेबल आपका जैन 5 में नहीं हुआ। अगर ऐसा मिसप्लेस कब होता है, जब स्पेलिंग मिस्टेक होती है उसके बाद ही। अगर फिर भी नहीं टीचर हुआ, कॉलम साइड में रखते हैं, क्या बोल रहे हैं? अगर हम इसको कॉलम साइड में रखते हैं इंस्टेड ऑफ रो साइड, तब उसमें कभी-कभी आ जाता है जैन की साइड दिसंबर आ जाता है, ऐसे होता है कुछ। हाँ, तो वो ऐसा होता है कि हो सकता है इसके अंदर जो चीजें डली हो उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट हो, तो इसको क्लिक करके आप यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, ए टू जेड करेंगे तो सर हमें अप्रैल से मार्च तक नहीं चाहिए, वो नहीं तो सही हो कभी ऐसे ही जाता, सीक्वेंस। सही हो जाता है, सीक्वेंस आ जाता है, या मोर ऑप्शन में। या मैनुअल पे कर क्लिक करेंगे आप, तो आप इसको उठा उठा के एक ड्रैग कर सकते हैं अपने हिसाब से। या फिर ऐसा नहीं हुआ तो राइट क्लिक करके हमारे पास मूव का ऑप्शन होता है, ठीक है ना? तो आप मूव करके अरेंज कर सकते हो। हालांकि ऐसा अगर मुझे हो, इसको अप्रैल मार्च चाहिए तो फिर मूव करना पड़ेगा इसको पूरा। हाँ
ठीक है, करके देखिएगा, फिर नहीं हुआ तो मैं कोई और तरीका आपको दिखा दूंगा, ओके राइट। सर। अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग की, कि अगर पिवट टेबल की अगर मुझे फॉर्मेटिंग करना हुआ तो फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। जनरली हम यहाँ इस पे जो हमारे होम यहाँ होता है होम मेनू बार में जो फॉर्मेटिंग होती है, तो जनरली हम ए फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, राइट। बट इस फॉर्मेटिंग को करने का प्रॉब्लम क्या होता है कि ए पिवट के साथ अटैच नहीं होता है, मतलब कि रहेगा जैसे आपने रिफ्रेश किया आपके अंदर पिवट में वैल्यू इंक्रीज हुई ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा, आपका पिवट जो है फॉर्म मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ नीचे ऐड हुआ, तो आपने फॉर्मेटिंग जो है 90 तक ही किया हुआ ना, नीचे ऐड हुआ तो 2060 इस तरह से ऐड हो गया, तो वहां पे दिक्कत होने के चांसेस है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग कैसे करें, तो आप पिवट को सिलेक्ट करें, यहाँ डिजाइन ऊपर देख जैसे पिवट सिलेक्ट करेंगे ऊपर में आपको पिवट टेबल टूल्स आएगा, और यहाँ एनालाइज के बाद यहीं पे आपको डिजाइन आएगा, डिजाइन पे जाइए आपको यहाँ पे कई सारे पिवट टेबल के टूल्स दिखेंगे, दिख रहे हैं। क्लियर है, तो जैसे कि इसमें आपने टूल्स को अप्लाई कर दिया, मैंने यहां इसको अप्लाई कर दिया तो ए पिवट टेबल का पार्ट हो जाएगा, कैलकुलेट में इंक्रीज डिक्रीज होगा तो ये अपने आप को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर लेगा, राइट। अब पिवट टेबल के बाद जो दूसरा ऑप्शन इसमें दूसरा ऑप्शन आता है, जैसे कि मुझे अब मान लीजिए ये तो चलो ठीक है, तो आप जब भी रिपोर्ट बनाते हैं तो आप पहले अपने बॉस से पूछिए कि रिपोर्ट जो बनाना चाहते हैं कि पर्पस क्या है बनाने का, ठीक है ना। अब जैसे कि उनको जो कैंडिडेट का लिस्ट चाहिए था, कितने भी इसके हेड काउंट चाहिए था, एम्प्लॉय लिस्ट चाहिए था, उसका पर्पस था कि उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट साइन करवानी थी सबसे हर एम्प्लॉय से, इसलिए डिपार्टमेंट ले चाहते थे। बट प्रॉब्लम क्या है कि डिपार्टमेंट जो है अलग अलग सिटीज में है, तो यहाँ पे एक दिक्कत हो गई, तो अब मुझे क्या करना है कि रिपोर्ट चाहिए किस डिपार्ट कौन से डिपार्टमेंट के किस सिटी में कितने बंदे वर्क करते हैं, ठीक है, किस डिपार्टमेंट के कितने सिटी में कितने बंदे वर्क करते हैं, तो उसके लिए हम पिवट लगाते हैं, इन शॉर्ट पिवट टेबल एंड ओके। और यहां पे हमने डिपार्टमेंट को रखा, और जो हमारा सिटी कोड है सिटी कोड को कॉलम में रखते हैं, और हमारा हेड काउंट को यहां रखते हैं वैल्यू में। तो देखिए दो चीजें, कि यहां पे रो पे जो हम रखेंगे तो उसका रो बाय जैसे यूनिक नंबर आएगा, कॉलम में रखेंगे तो कॉलम बाय यूनिक नंबर आएगा, और वैल्यू में उस फील्ड को रखेंगे जहां पे काउंट सैम मैक्सिमम मिनिमम ऐसे करना है। हालांकि हम नेम को काउंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि टेक्स्ट पे जस्ट काउंट ही हो सकता है, टेक्स्ट को सम नहीं कर सकते, लेकिन नेम को हटा के अगर हमने सैलरी रख दिया तो हम सैलरी का सम कर सकते हैं, तो सैलरी डालते बाय डिफॉल्ट सम आएगा। हो सकता है कि सम ना आए, उसका दो रीजन, हो सकता है कि उस डेटा में एरर हो, या हो सकता है ब्लैंक हो, या कोई टेक्स्ट हो, इसलिए सब नहीं आ सकता है। तो मैनुअली सम करने के लिए इस पे फिल कीजिए, डबल क्लिक कीजिए एरो निशान पे, वैल्यू वैल्यू फील्ड सेटिंग दिखेगा इस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे इसको सम अपने हिसाब से कर सकते हैं, सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम, या फिर इसी पे डबल क्लिक कीजिएगा यहीं पे आ जाएगा आपको कि किसका टोटल करना है, सैलरी का करना है किसका करना है, या इसका सम ऑफ सैलरी पे डबल क्लिक कीजिएगा ना। ये हो गया। अब दूसरा कि हमने सिटी कोड को कॉलम में रखा, तो इस तरह का रिपोर्ट आपके सामने दिख रहा है, लेकिन
एक रूल समझ लीजिएगा कि इस तरह का तभी हम करते हैं जब हमारे पास जो सिटी होते हैं या जो भी कोड है वो थोड़े होते हैं, कम होते हैं। अगर मान लीजिए वो ज्यादा हुआ, मतलब कि यहाँ पे 200, 300, 400, 500 ऐसे हुए हैं, तो फिर क्या होगा, नेविगेशन में दिक्कत होगा, स्क्रॉलिंग में दिक्कत होगा। तो जब आपके पास ज्यादा हो तो आप इसी सिटी कोड को यहाँ रो में डिपार्टमेंट के नीचे रख दीजिए, तो यहाँ अकाउंटिंग उसके नीचे यहाँ पे आ गया आपका, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे अकाउंटिंग में आ गया टोटल, एडमिनिस्ट्रेशन है, देन यहाँ पे टोटल है। अब ये टोटल नहीं रखना चाहते हो तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे सब टोटल डिपार्टमेंट को हटा दो, इस तरह से आपका आने लगा। दूसरा कि देखिए, अगर रिपोर्ट को एज ए पिवट टेबल बना के भेजना है तो दैट गुड्स, लेकिन अगर इसको कॉपी करके किसी फील्ड में कहीं रख के फिर फॉर्मेटिंग करनी है तो दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, एक ही कॉलम में आपका सिटी भी है और डिपार्टमेंट भी है, तो यहाँ पिवट टेबल में तो फॉर्मेटिंग है इसलिए आपको दिख रहा है, लेकिन बाकी नॉर्मल चीजों पे नहीं होगी, मैं डेटा पे नहीं होगा और कॉपी करने के बाद। तो मुझे चाहिए दो अलग अलग करना, तो उसके दो तरीके हैं। पहला, तो मैं राइट क्लिक करूंगा पिवट पे और यहाँ पिवट टेबल ऑप्शन पे चला जाऊंगा। यहीं पे हमारे पास डिस्प्ले में क्लासिकल पिवट टेबल आता है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए तो आपको अलग अलग हो जाएगा। या फिर डिजाइन में जाइए, यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट्स हैं, तो ये तीन लेआउट्स हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अब इसमें एक हो गया, इसमें दिक्कत क्या है कि फिल्टर वगैरह लगाने में मुझे, यहाँ पिवट पे तो मैं आसानी से फिल्टर लगा लूंगा, लेकिन इसको कहीं कॉपी पेस्ट करूंगा तो वहां पे फिल्टर लगाने में हमें दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे ब्लैंक होगा, अगर फिल्टर लगाऊंगा सिर्फ यही आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसको कंटिन्यू, यहाँ भी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेटर और कस्टमर सपोर्ट ब्लैंक को फिल हो जाए। तो रिपोर्ट लेआउट में ही आपके पास होता है रिपीट ऑल आइटम लेवल, तो ये आपको रिपीट कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों के बीच में एक गैप चाहिए था हमें, तो ब्लैंक रो में आइए, यहाँ पे इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर इच आइटम, तो यहाँ पे ब्लैंक लाइन आपका इंसर्ट हो गया। ठीक है, आपको हटाना है तो सेम यहां से रिमूव, और यहां से देखिए डू नॉट रिपीट आइटम। तो मुझे अब यहां पे रिपीट ना करके मर्ज करना है, कि मैं इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करके होम में जाके इसको यहां से मर्ज कर दूं, तो मैं मर्ज करना चाहता हूं। तो मर्ज करने के लिए डायरेक्ट तो मर्ज नहीं कर सकता मैं, तो उस केस में मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, पिवट टेबल ऑप्शन में जाएगा, यहां आता है मर्ज एंड सेंटर सेल्स लेवल, तो मर्ज कर देगा, मर्ज हो गया। तो ये इसके पार्ट। दूसरा, अब जैसे कि मान लीजिए कि अकाउंटिंग में जो ए जीजीएन में जो आपका अकाउंटिंग के अंदर जीजीएन में जो 1,45,000 की सैलरी आई है, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों के साथ मिलकर सैलरी है, कौन कौन है, किसको इतनी सैलरी दी गई है। तो जनरल लोग क्या करते हैं, उसके लिए फिल्टर यहाँ पे डेटा में जाके फिल्टर लगाते हैं। यानी मान लीजिए ना कि आईटी में यहाँ पे देखिए 17 बंदे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन 17 बंदे हैं, तो डेटा में जाके फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे डबल क्लिक कर देंगे तो एक नई सीट में आपको यहां से आ जाएगा। ठीक है, एक नई सीट में आपको यहां दिख जाएगा। क्लियर है?
लेकिन आप चाहते हो कि डेटा इस तरह से क्लिक करने पे ना दिखे, तो राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन में जाइए, और यहाँ पे आने के बाद आप डेटा में अनेबल शो डिटेल्स को हटा दीजिए। अब इस पे डबल क्लिक करने से डेटा नहीं आएगा, ठीक है सर। तो दोस्तों देखा किस तरीके से अभी चार चार लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट किया, इसमें सुखदीप जी आउट ऑफ इंडिया से थे, और बाकी लोग दिल्ली और मुंबई और इंडिया के थे। तो इसी तरह से आप किसी भी लोकेशन में हो, कहीं भी हो, आप हमारे साथ लाइव क्लासेस ले सकते हैं। तो हम तो आपको सजेस्ट करेंगे, अगर आप हमारी क्लासेस देख रहे हैं तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले 3-4 दिन की डेमो लीजिए, 3-4 दिन डेमो लेके देखिए, अगर ठीक लगता है उसके बाद आप ज्वाइनिंग प्रोसेस को फॉलो करें। क्लासेस के डिटेल्स और फीस के स्ट्रक्चर्स या DVD परचेज करना है तो आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे चले जाएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं।